एक्सक्यूज मी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास 4 मंथ का सेल का डेटा है। अब मैं जैसे जैसे इन चेक बॉक्सेस को मार्क करता हूं वैसे वैसे मुझे सामने ग्राफ मिल जाता है। अगर आप इस टास्क को एक्सेल में परफॉर्म करना चाहते हैं तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट में जाएंगे, देन टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पे स्पार्क लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे, देन यहां पे काउंटिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, देन अपनी टॉप रो को यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे, देन यहां पे आप ट्रू को कॉल करेंगे, इसको टाइप नहीं कॉल करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन कॉमा पुट करना है, देन उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो आपका चार्ट टाइप रहेगा वो रहेगा आपका बार, इसको आप डबल कोट के बीच में ही लिखेंगे, देन सेमी कॉलम पुट करेंगे, देन आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉलम आपके पास है वो है 4, देन सेमी कॉलम पुट करेंगे, देन लास्ट में आपको क्या करना है जो कलर 1 है वो आपका रहेगा इसमें रेड। आप कलर कोई सा भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन मेन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड सिंपली आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देन आप उसके बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे अपनी सेल्स को मार्क करेंगे उस तरीके से आप देखेंगे कि उस रो में आपकी सेल्स का ग्राफ तैयार हो रहा है। तो होप आपको बहुत इजीली ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।